और रोहित कुमार, आप निशो नेशन देख रहे हैं। आज एनडीए ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ से तमाम आला नेता जो थे वो एक मंच पर आए और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया। 243 विधानसभा सीटों में 122 सीटें जेडीयू के खाते में आई हैं, जबकि 121 सीट बीजेपी के पास आई है। जदयू की तरफ से कई प्रत्याशियों को सिंबल जो है वो दे दिया गया है। कई प्रत्याशी कल और परसों में नामांकन करेंगे, क्योंकि पहले चरण के लिए सिर्फ अब 48 घंटे का वक्त है जब प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने भी 27 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी है। वो सूची क्या है वो लेकर के हम हाजिर हैं। तो ये वो 27 प्रत्याशियों की सूची है जिसको जदयू ने जो है वो ज्वाइन कर जो है वो जारी किया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये पहले चरण की तमाम सीटें हैं यहाँ पर। और कहलगांव विधानसभा की बात करें तो पवन कुमार यादव को टिकट दिया गया। बांका की बात करें तो राम नारायण मंडल हैं। कटोरिया विधानसभा की बात करें तो श्रीमती निक्की हेम्ब्रम जो हैं उनको टिकट दिया गया है। मुंगेर की बात करें तो यहाँ पे प्रणव कुमार यादव हैं। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में। बाढ़ की बात करें तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लगातार जीतते आ रहे हैं वहां से, वहां पर दोबारा टिकट मिला है उनको। बिक्रम में अतुल कुमार को मौका दिया गया है। बड़हरा विधानसभा की बात करें तो राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं। आरा की बात करें तो अमरेंद्र प्रताप सिंह। तरारी की बात करें तो कौशल कुमार सिंह हैं। शाहपुर की बात करें तो श्रीमती मुन्नी देवी जो हैं उनको टिकट दिया गया है। रामगढ़ की बात करें तो अशोक सिंह हैं, इनको टिकट दिया गया है। वहीं अगर मोहनिया जो रिजर्व सीट है उसकी बात करें तो निरंजन राम को टिकट दिया गया है। आपको भभुआ की बात करें तो रिंकी रानी पांडे को दिया गया है। चैनपुर से ब्रिज किशोर बिंद को। डेहरी जो विधानसभा सीट है वहां से सत्यनारायण सिंह यादव को। काराकाट से राजेश्वर राज को टिकट दिया गया है। उसके बाद अगर नीचे आए तो यहां पर गोह विधानसभा की बात करें तो मनोज कुमार शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी के। औरंगाबाद की बात करें तो यहां पर रामाधार सिंह को टिकट दिया गया है। गुड़ुआ विधानसभा की बात करें तो यहां पर राजीव नंदन दागी जो हैं उनको टिकट दिया गया है। बोधगया जो कि रिजर्व सीट है वहां से हरि मांझी को दिया गया मौका। गया शहरी सीट से प्रेम कुमार बिहार सरकार में मंत्री हैं, रिकॉर्ड बार जीत चुके हैं यहां से। वारसलीगंज की बात करें तो वीरेंद्र सिंह को मौका दिया गया है। रजौली जो कि सुरक्षित सीट है वहां से कन्हैया कुमार जो हैं रजवार नाम है उनका, उन्हें टिकट दिया गया है। हिसुआ विधानसभा की बात करें तो ये अनिल सिंह को टिकट दिया गया है। वारसलीगंज की बात करें तो अरुणा देवी को टिकट दिया गया। और जमुई की बात करें तो श्रेयसी सिंह जो कि शूटर हैं उन्हें मौका दिया गया। वो कल ही पटना आई थी और उनका टिकट कन्फर्म था जिसके बाद वो पटना पहुंची थी। तो 27 प्रत्याशियों की पूरी सूची जिसको जारी किया गया है। अगर महिलाओं की बात करें तो 27 में जो कुल महिलाओं की संख्या वो 5 है, यानी कि 5 महिलाएं जो हैं उन महिलाओं को बीजेपी ने पहले चरण के लिए जो 27 सीटें उनके खाते में आई हैं उनमें से जो है 5 महिलाएं हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। तो बिहार की बड़ी खबर ये कि बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच में जैसे ही समझौता हुआ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर, जैसे ही ऐलान हुआ कि बीजेपी जो है वो 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि सहयोगी जदयू जो है वो 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उसी के बाद में बीजेपी की ये पहली ऑफिशियल लिस्ट है जो पहले चरण के लिए है वो जारी कर दी गई है। इसका ये मतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो 71 सीटें हैं उसमें से जो 27 सीटें हैं उस पर बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में होंगे, जबकि बाकी सीटों पर जदयू और जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उनके तरफ से जो टिकट है वो उन प्रत्याशियों का मौका दिया गया। तो बिहार में बीजेपी की तरफ से जो है ऑफिशियली जो है पहली जो सूची है वो जारी कर दी गई है। और सूची ये है कि 27 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। पवन कुमार यादव, राम नारायण मंडल, निक्की हेम्ब्रम, ये प्रणय कुमार यादव, विजय कुमार सिन्हा, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, अतुल कुमार, राघवेंद्र प्रताप सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह, कौशल कुमार सिंह, मुन्नी देवी, अशोक सिंह जो हैं, निरंजन राम, रिंकी रानी पांडे, ब्रिज किशोर बिंद, सत्यनारायण सिंह यादव, राजकिशोर जो हैं यादव उन्हें मौका दिया गया है। साथ ही मनोज कुमार शर्मा को मौका दिया गया, रामाधार सिंह को मौका दिया गया है, राजीव रंजन दागी को, हरि मांझी, प्रेम कुमार, वीरेंद्र सिंह, कन्हैया कुमार, अनिल सिंह, अरुणा देवी और श्रेयसी सिंह को जो बीजेपी है उसने अपनी पहली सूची में जो है जगह दी है। कुल
27 लोगों का नाम जो है पहले चरण के चुनाव के लिए जो है वो जारी किया गया है। ऐसे ही जैसे ही अपडेट आएगा जदयू को लेकर के तमाम पार्टियों के लिए ऐसे जुड़े हुए तमाम जो अपडेट आएंगे, बिहार विधानसभा जुड़ी हुई तमाम वो बड़ी खबर जो हमारे पास पहुंचेगी सबसे पहले लेकर के हाजिर होंगे न्यूज फाउंडेशन पर। नमस्कार।